एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज तो इंडिया में राखी हो रहा होगा, आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम लोग इस बार राखी उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे घर में कुछ इंसिडेंट के वजह से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस दिन के राखी के दिन के लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ, जो है ट्रैवल ब्लॉग। तो हम लोग कुछ दिन पहले सिनसिनाटी गए थे, जो इंडियानापोलिस से लगभग 1 घंटा 45 मिनट दूर है। तो मैं आज इस ब्लॉग में आपको सिनसिनाटी के बारे में भी कुछ कुछ बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि यूएस में अगर आप कहीं रोड ट्रिप में जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका रोड ट्रिप बहुत स्मूथ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, सिनसिनाटी जो है ये ओहायो स्टेट में पड़ता है, तो ये इंडियाना के एकदम एक बॉर्डर स्टेट है, तो बहुत इसलिए पास में है। और जब भी हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग करते हैं, अपने कार के सारे चीज़ देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एक दिन पहले ही कहीं घूमने जाने से पहले, जैसे पूरा फुल टैंक है कि नहीं कार में, जो पेट्रोल वगैरह या जो भी है पहले ही देख लेते हैं, ताकि जब भी जर्नी करने जाए आपको कोई दिक्कत ना हो अगर लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि उसका टायर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कार में, ताकि बीच रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा चीज़ है टाइमिंग। अगर आप वन डे ट्रिप में जा रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने देर के लिए वहाँ पे रहोगे, तो हाथ में टाइम लेके जाना चाहिए। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं मॉर्निंग 9 o'clock तक निकल जाए, ताकि आराम से उस जगह को हम लोग घूम पाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगभग मुझे लगता है 10:45-11 o'clock के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। और ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम है सिनसिनाटी में, सिनसिनाटी म्यूज़ियम सेंटर। तो हम लोग इसलिए इसको चूज़ किए थे क्योंकि वेदर वाइज उस दिन काफ़ी गर्मी थी। तो दूसरी जो चीज़ आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कहीं घूमने जाने से पहले, खास करके यूएस में, कि वेदर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है, कभी अचानक बारिश हो जाता है या कभी बहुत गर्मी रहता है। तो उस दिन वेदर काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो हम लोग इसलिए सोचे थे कि ज़्यादा आउटडोर नहीं करेंगे, इनडोर रखेंगे, आउटडोर थोड़ा कम समय के लिए रखेंगे, इसीलिए हम लोग ये म्यूज़ियम चूज़ किए थे। तो ये म्यूज़ियम एक्चुअली ये सिनसिनाटी का जो भी हिस्ट्री है वो सब दिखाता है, यहाँ पे कैसे सब डेवलप हुआ वो दिखाता है। तो यहाँ अंदर काफ़ी सुंदर एक डोम बना हुआ था, ये काफ़ी बड़ा सा डोम था, मुझे लगता है लगभग पूरा मैक्सिमम एरिया ये डोम बना हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देखे, यहाँ पे काफ़ी सारे मोटर्स रिलेटेड चीज़ें रखे हुई थी, जैसे कि फर्स्ट इंडियाना में फर्स्ट जो कार बनी थी वो कैसी थी, या फर्स्ट जो ट्रेन बनी थी वो कैसी थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स थे। तो बेसिकली एक ऐसा म्यूज़ियम था जहाँ पे बच्चे लोगों को भी अच्छा लगे और बड़े लोगों को भी अच्छा लगे, तो सबसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये एक मिनिएचर बना हुआ था पूरा सिनसिनाटी का, कि सिनसिनाटी एक्चुअली दिखता कैसा है। तो सिनसिनाटी के काफ़ी सारे ब्रिजेस थे और काफ़ी सारे बिल्डिंग जो आप लोगों को दिख रहा है, उसके साथ डाउन टाउन था, और बहुत सुंदर से दिखाया गया है कि यहाँ पर काफ़ी ट्रेन लाइन्स चलती है सिनसिनाटी में, तो वो कैसे काम करता है। नाइट व्यू भी दिखाया गया है कि नाइट में कैसा लगता है, और ट्रेन के लाइंस तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। और क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ये जो एक बहुत सुंदर सा एक शहर है, तो यहाँ पे ट्रेन लाइंस बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ कैसे जा रहे हैं पहाड़ के साइड से। और बच्चे लोगों को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये टॉय जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली ये पूरा जो सिनसिनाटी जो शहर है वो पूरा दिखाया गया है, और कि कब ये सब हुआ है उसके बारे में भी काफ़ी सारे डिटेल्स है। और देख सकते हैं यहाँ पे कार शेड जैसा होता है जहाँ पे सारे ट्रेन्स रहते हैं वो भी है, और म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के बैक साइड में ही मुझे लगता है ट्रेन्स वगैरह चलते हैं, और यहाँ पे स्टेडियम भी दिखाया गया है। तो सारे डिटेल्स, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ये कुछ क्रेन जैसे थे जो ट्रेन को पहाड़ के ऊपर ले जा रहे थे, और यहाँ पर फिर से ऐसे ही एक ट्रेन लाइन और ऊपर ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे कार्स वगैरह जा रही थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये सब देखने में।
तो पहले हम लोगों का अकेले ही जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन अचानक से फिर मीनाक्षी लोग फिर फ़ोन किए थे रात को हम लोगों को, तो उन लोगों के साथ फिर प्लान बन गया। और नंदिनी के तो आप लोग पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में देख चुके हैं, तो सारा और नंदिनी काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और जैसे कि मैं बता रही थी कि यहाँ पर पहला जो ट्रेन है या ट्रम बोल सकते हैं वो भी दिखाया गया है, तो उसके अंदर भी आप थोड़ा बैठ के फील ले सकते हैं कि कैसा होता था उस समय का ट्रम वगैरह। तो मॉर्निंग में हम लोग जब निकले थे तब तो ब्रेकफास्ट वगैरह घर से करके निकले थे, लेकिन जब तक पहुँचे थोड़ा देर घूमने के बाद ऑलमोस्ट 12:30 को फिर से भूख लग गया और बच्चे भी साथ में थे। तो ये सब जगह में जब भी आप लोग घूमने जाते हो या यूएस में कहीं पे भी आप लोग घूमने जाते हो, यूजुअली आप लोगों को खाने के लिए बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ या सैंडविच ये सब मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भर पाता है, और थोड़ा बहुत ये सब खाने के बाद थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए अगर आप लोग घूमने जा रहे हो, तो या तो घर से आप लोग कुछ बना के लेके चलो ताकि बच्चे लोग भी खा पाए, आप लोग भी खा के थोड़ा मन भी भर जाए। तो जैसे कुछ भी बना सकते हो, या तो रोटी के साथ कुछ ऐसा कुछ बना लो कि रोल करके उसको खा सके बच्चे लोग आराम से, या सैंडविच ही बना लो या कुछ फ्राइड राइस बना लो ताकि वो स्पून से आप आराम से खा सको। और इस टाइप के जगह में ना फूड ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो आप अगर बाहर गाड़ी में ही खा लो और खा के अंदर जाओ तो वो भी बेटर ऑप्शन होता है। तो फूड भी एक ऐसा ऑप्शन है, तो यूएस में आप घूमने जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप हमारे जैसे हो कि बाहर का खाना खा के मन नहीं भरता है। तो हम लोगों को एक शो था एक्चुअली 1:30 से जो स्टार्ट होने वाला था, वो काफ़ी एक अच्छा शो हम लोगों को लगा, जो अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया था कि कैसे वहाँ पे पूरा जो सिस्टम है फॉरेस्ट का वो कैसे काम करता है, तो वो हम लोग बुक किए थे। तो ये जो शो था बेसिकली जो डोम बना हुआ है ना उसी के ऊपर पूरा दिखाया गया था। इंडिया में भी काफ़ी सारे जगह है, जैसे कोलकाता में हम लोग साइंस सिटी में देखते हैं या बिरला प्लानिटोरियम वगैरह में देखते हैं, बस उसी तरीके से ये भी शो था और बच्चे लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। Located in East Africa, the Serengeti extends from North Tanzania. तो यहाँ पे आप लोग जब भी कभी कहीं घूमने जाओ और वहाँ पे टिकट वगैरह हो तो ज़रूर एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो जो प्राइसेस होते हैं और जब आप गेट में जाके लेते हो वो प्राइसेस में थोड़े बहुत डिफरेंस रहते हैं। और ऑनलाइन में काफ़ी सारे ऑफर्स भी चलते हैं, जैसे हम लोग ना कुछ एक कॉम्बो लिए थे जिसमें बहुत सारे चीज़ आप एक साथ कवर कर सकते हो, तो वो हम लोगों को कम पड़ा। अगर आप यही सारे चीज़ अलग अलग लेने जाते तो आप लोगों को ज़्यादा पड़ जाता, तो इसीलिए हम लोग सोचे थे कि ऑनलाइन ही लेते हैं। जब भी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं घूमने, अगर टिकट सिस्टम है तो पहले ही हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ताकि वहाँ पे जाके फिर हम लोगों को प्रॉब्लम ना झेलना पड़े और फिर लाइन में भी नहीं लगना पड़ता है, डायरेक्ट आप जा सकते हो। तो इसके लिए भी हम लोग जो भी शो वगैरह बुक करना था पहले ही बुक कर लिए थे। और यहाँ पे एक किड जोन टाइप का था जहाँ पे सारे बच्चे लोगों के इंटरेस्ट के चीज़ें रखे हुए थे, और ऐसे चीज़ें थे जो हम लोग बड़े लोग जो अपने रियल लाइफ में करते हैं, जैसे कहीं पे किचन बना हुआ था, फिर कहीं पे जैसे हॉस्पिटल बना हुआ था जहाँ डॉक्टर्स लोग देखते हैं, कहीं पे ग्रॉसरी शॉप बना हुआ था, कहीं पे डेंटिस्ट का शॉप बना हुआ था, ऐसे सारे चीज़ें थे जो बच्चे लोगों को हम लोग एक्चुअली करने नहीं देते हैं और उन लोगों को करने का मन होता है। तो जैसे वो लोग किचन में खाना बना रहे थे अपने से या ग्रॉसरी स्टोर में जाके सामान खरीद रहे थे, तो उन लोगों को मज़ा आ रहा था कि वाह हम लोग भी अपने से कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े बहुत और बहुत सारे खेलने के काफ़ी सारे जगह थे, जैसे मैं बोली कि ये किड जोन था तो ये स्पेशली ये बच्चे लोगों के लिए ये बना हुआ था ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके।
और यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्वेस्ट बना हुआ था जहाँ पे लाइक ब्रिजेस थे, टनल्स थे और बच्चे लोग वहाँ पे एडवेंचर कर सकते थे। तो यहाँ पे सारा भी गई थी, शुरू में थोड़ा डर रही थी लेकिन फिर उसके साथ नंदिनी थी और थोड़ा मैं भी उन लोगों को बोली कि चलो मैं भी चलती हूँ, आप भी जा सकते हैं अगर आप बच्चे लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक चीज़ बना हुआ था जैसे बच्चे लोग फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं एक्वेरियम के अंदर, जहाँ पे साइड में फिश भी थे और उसके अंदर एक जगह था जहाँ पे बच्चे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते थे। और सारा तो पोज देने में माहिर है तो वो बहुत सारे चीज़ों के साथ बोल रही थी कि मुझे भी फ़ोटो खींचना है। तो आप लोग कभी भी कहीं पे घूमने जाओ ना, अगर एक दिन का ट्रिप या दो दिन का हो तो ज़रूर रिसर्च करके जाना कि आप लोगों को कहाँ कहाँ घूमना है, अगर नहीं करके जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग भी सोच के गए थे कि म्यूज़ियम के बाद बस थोड़ा डाउनटाउन घूमेंगे, तो इसीलिए हम लोग जानते थे हम लोगों को कहाँ जाना है। डाउनटाउन जाने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है और इस ब्रिज की मज़ेदार बात थी कि ये एक जो रिवर ओहायो रिवर के ऊपर है, इसके एक साइड में ओहायो पड़ता है, दूसरे साइड में दूसरा स्टेट केंटकी पड़ता है। जैसे ही हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो अचानक जो मैप चलता है बोला वेलकम टू केंटकी, तो कुछ ही सेकेंड में हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँच जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो रिवर है काफ़ी फेमस है, ये 7 स्टेट को एक साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे पानी के थ्रू अगर कोई सामान लाना हो बहुत सारे स्टेट क्रॉस करके तो इस रिवर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मुझे लगता है इंडियानापोलिस, केंटकी, ओहायो एंड और भी बहुत सारे स्टेट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो टोटल 7 स्टेट को जोड़ के रखता है, तो काफ़ी मज़ेदार है। और सिनसिनाटी में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी सारे ब्रिजेस थे, काफ़ी सुंदर सुंदर ब्रिजेस थे, देखने के चक्कर में कुछ ब्रिजेस तो मैं कैप्चर करना भी भूल गई। और जैसे कि मैं बता रही थी कि हम लोगों को थोड़ा सा वो रिवर के साइड में घूमना था, तो एक और जो कन्फ्यूजन हम लोगों को हुई थी पार्किंग लेके, आप लोग पार्किंग भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे पार्क करना होता है नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग पहली बार गए थे, हमारे पास उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मीनाक्षी लोग पहले आए हुए थे तो वो लोग हम लोग को बताए कि एक्वेरियम में आना है, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए एक्वेरियम में क्यों आना है, हम लोग तो रिवर साइड जाएंगे तो एक्वेरियम में क्यों जाना है। तो फिर बाद में पता चला जो रिवर साइड का पार्किंग है वो भी एक्वेरियम में है और वहाँ से ही हम लोगों को फिर रिवर साइड घूमने जाना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे भी गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए आपको कहाँ पार्क करना है, एग्जैक्ट कहाँ रखना है गाड़ी को, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पार्किंग का नॉलेज होना चाहिए अगर आप यूएस में घूमने जा रहे हो। तो बस हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे, यहाँ पे एक मेला जैसा लगा हुआ था रिवर साइड में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो भीड़ काफ़ी थी और हम लोग जब तक यहाँ पहुँचे थे लगभग मुझे लगता है 5:30 बज ही गया था, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सब कोई के हाथ में आप लोग देख सकते ड्रिंक्स वगैरह थे। और यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि काफ़ी सारे सामान पानी के थ्रू भी आते हैं, तो देखिए एक शिप कैसे इतने सारे सामान को एक साथ ढकेलते हुए जा रहा है और उसके साथ साथ कई सारे ब्रिजेस भी आप लोग देख सकते हैं रिवर के साइड में, जो बहुत सुंदर लग रहा था। तो सिनसिनाटी का ये एक दिन का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा और देखते ही देखते 7 भी बज गए, तो हम लोगों को और थोड़ा रहने का मन था लेकिन क्योंकि हम लोग डिनर घर में रेडी नहीं था और रास्ते में ही कहीं पे खाना था तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेगा और 9:30 के आसपास सारे ही शॉप क्लोज हो जाते, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे 7:15 के आसपास। बस इसी के साथ वीडियो को भी मैं आज यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।